Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bhalwal. And it's science, grade 3, chapter number 1, food and feeding habits of animals. Okay, dear students, क्यों ना आपको एक interesting सी बात बताऊं मैं. वो बात यूं है कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं भाई और आपके बाबा वो कार को ड्राइव कर रहे हैं. अच्छा होता क्या कि एकदम से कार जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है. आप अपने बाबा से कहते हैं, बाबा व्हाट हैपेंड? तो बाबा क्या कहते हैं कि लगता है कार में फ्यूल खत्म हो गया है. आप अपने बाबा से पूछते हैं, बाबा ये फ्यूल क्या होता है? तो बाबा कहते हैं कि बेटा कार में पेट्रोल डलता है जिससे गाड़ी को एनर्जी मिलती है और एनर्जी से गाड़ी चलती है. उसी वक्त आपके जेहन के अंदर एक ख्याल आता है, ओ यस, मेरी टीचर ने भी मुझे बताया था कि जो फूड यानी खुराक आप खाते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है और आप उससे मुख्तलिफ काम करते हैं. यस डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी हमारा जो है वो फूड के मुतालिक है, यानी खुराक के मुतालिक है. क्या आपको पता है कि खुराक किन के लिए जरूरी होती है? सोचें, शाबाश, वेरी गुड. ऑल लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनके लिए खुराक जरूरी होती है. दैट्स वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स. दूसरी अहम बात कि खुराक करती क्या है, यानी फूड से क्या होता है. नंबर वन, हम जिंदा रहते हैं, वी लिव ड्यू टू फूड, बहुत अच्छे. एंड नंबर टू, हम ग्रो करते हैं, यानी पहले आप छोटे थे फिर आप बड़े होते गए, तो क्यों? खुराक की वजह से, फूड की वजह से. दैट्स वेरी गुड. फूड एक और काम भी करती है, फूड हमें एनर्जी देती है, गिव्स अस एनर्जी. और एनर्जी से हम क्या करते हैं? नंबर वन, हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. और नंबर टू, हम वर्क परफॉर्म करते हैं. कोई भी काम जो हम करते हैं वो एनर्जी की वजह से करते हैं. वेरी गुड. और खुराक एक और काम भी करती है. कौन सा काम? यस, वेरी गुड. खुराक हमें हेल्दी रखती है, कीप अस हेल्दी. वाओ, दैट्स वेरी गुड. तो आज का जो चैप्टर का स्टार्ट है वो कितना इंटरेस्टिंग है. क्यों ना मैं आपके लिए एक दफा रिपीट कर दूं कि जिस तरह कार के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म को भी फ्यूल के तौर पर खुराक की जरूरत होती है. खुराक से यानी फूड से हम जिंदा रहते हैं और हम बड़े होते हैं. खुराक हमें एनर्जी देती है जिससे हम घूमते फिरते हैं, चलते फिरते हैं और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं. खुराक का तीसरा फंक्शन, ये हमें सेहतमंद रखती है. फूड कीप अस हेल्दी. दैट्स वेरी गुड. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर बुक रीडिंग. वाओ, तो हमारा जो बुक रीडिंग में हमने काम करना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. यस, वो क्या है? सबसे पहले तो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट फूड. That's very good. And feeding habits of animals. Animals need food. ये हमारी जो heading है. All living things need food
टू ग्रो। एक इंपॉर्टेंट बात कि ये बुक में चैप्टर नंबर वन पेज नंबर वन है, टू ग्रो एंड टू लिव, दैट्स वेरी गुड। अच्छा फिर उसके बाद एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो जिंदा हैं। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, दे नीड एनर्जी टू मूव अराउंड, उन्हें घूमने फिरने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड वर्क और काम करने के लिए भी उन्हें एनर्जी चाहिए, दैट्स वेरी गुड। फूड गिव्स देम ऑल द एनर्जी दे नीड, वो सारी एनर्जी उनको खुराक देती है। दे नीड फूड टू रिमेन हेल्दी, उनको खुराक चाहिए ताकि वो हेल्दी हो सकें। अब ये दोनों पिक्चर जरा गौर से देखें, क्या नजर आ रहा है? यस, आपको इस पिक्चर में काउज नजर आ रही हैं और लिखा हुआ क्या है ये आप पढ़ेंगे। यस आई एम लिसनिंग, वेरी गुड। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, वाओ। और इस वाली पिक्चर में सेकंड वन में आपको हॉर्सेस नजर आ रहे हैं, एनिमल्स नीड एनर्जी टू मूव अराउंड। और इस पेज पे एक और इंटरेस्टिंग सा काम भी है, वो क्या है कि आप देखें ये एक मंकी है और ये बहुत परेशान है क्योंकि उसको फूड चाहिए और इसका फूड जो है वो बनाना है। अब वो मंकी बनाना तक कैसे पहुंचेगा, ये आप अपनी बुक पे लाइन को ड्रॉ करें, दैट्स वेरी गुड। ओके नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क, दैट्स वेरी गुड। ओके होमवर्क के लिए सबसे पहले यू हैव टू राइट डे, देन यू हैव टू राइट डेट, टिक द होमवर्क, एंड देन यू हैव टू राइट द टॉपिक। और टॉपिक में आप क्या लिखेंगे, एनिमल्स नीड फूड, वेरी गुड। द क्वेश्चन ऑफ द डे इज Why do animals need food? Animals को food की ज़रूरत क्यों होती है? तो yes, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मुझे reply कर रहे हैं, that's very good, wow, animals need food to grow and live, very good। Animals को food चाहिए ताकि वो grow कर सकें और जिंदा रह सकें, very good dear students। इस chapter का start ही इतना interesting है क्योंकि food तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बात कि हमें junk food नहीं खाना है, healthy food खाना है, that's very good। Homework आपने कर लिया, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, दैट वॉज ऑल अबाउट लेक्चर वन, थैंक यू वेरी मच।